सैतालीस है, 1947 15 अगस्त को हमारे देश को छोड़कर गए हैं। इसके बाद हमारा शासन शुरू हुआ होना, तो कैसे हमें हमारे भारत देश को हमें कैसे शासन करना है, कैसे शासन करना है, इस संदर्भ में एक संविधान का जरूरत है। सभी अध्यापक और मेरी सहपाठियों, हिंदी दिवस शुभकामनाएं। मेरा नाम गांधी जी है, मैं जिला परिषद पाठशाला में 10वीं कक्षा पढ़ रहा हूं। मैं हिंदी दिवस बारे में कभी बच्चे बोलना चाहता हूं। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक है। इनका जन्म 1908 में बिहार के मुंगेर में हुआ है तथा निधन 1972 में हुआ। इनका हिंदी के राष्ट्रीय कवि भी कहा जाता है। उर्वशी गांधी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। एक दोहा बोलता, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, मन में प्रलय होए बस बहुरी करेगो कब। काल करने का काम आज करो, आज करने का काम अभी करो, क्योंकि क्षण में प्रलय होएगो हो सकता है। सभी अध्यापकों जी और मेरे सहपाठियों सबको हिंदी दिवस को शुभकामनाएं। मेरा नाम शेष साक्षणी, मैं जिला परिषद क्वेश्चन का जिला परिषद शून्य पाठशाला में 9वीं कक्षा पढ़ रही हूँ। मैंने आजकल हिंदी दिवस के बारे में भाषण देता हूँ। हिंदी भारत के सबसे अधिक लोगों के बोली और समझनी जाने वाली भाषा है। बिताई की शान हिंदी, हर हिंदुस्तान की पहचान हिंदी, हर एक अनुपम परंपरा है हिंदी, हर एक दिल अरमान हिंदी,